गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं करेंगे, ये पूरी लिस्ट है मैप वर्क की, हर यूनिट वाइज मैप दिए हुए हैं। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो रेफर करने के लिए। तो हम यहाँ पे पूरे मैप वर्क डिस्कस करेंगे हर चैप्टर वाइज। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे का जो मैप 4 है वो है कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग से रिलेटेड। सो हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैप जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, यानी कि लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट, सबसिस्टेंस गैदरिंग और नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब हम मेजर एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक, जो कि थर्ड चैप्टर का आपका पार्ट है, उसको करेंगे। ये थर्ड चैप्टर का नहीं, ये फिफ्थ से एट्थ चैप्टर के बीच के चैप्टर्स के पार्ट है। तो हम थर्ड वाला करेंगे, मेजर एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। मेजर एरियाज अब जब हमने सेकेंड वाला मैप किया था, थर्ड मैप, इसमें जो हमें नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड किया, इसमें हमने ये चीज याद रखी थी कि इसमें साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब वाले मैप में हर कंट्री का एक एक पार्ट आएगा, एंड वही हम पहले हाइलाइटर से मार्क करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया, एंड उसके बाद हम एक डीपर अंडरस्टैंडिंग में समझते भी चले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्थ अमेरिका वाला देखें तो आप ये देखेंगे कि ये वाला एरिया, अब इसको समझने के लिए जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, हमेशा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप इनकी मार्किंग्स के थ्रू ही याद रखिएगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो हम इसके ऊपर चलते हैं। तो ये वाला पूरा एरिया, ये वाला जो एरिया ये आप मार्क कर लीजिएगा, लिटिल बिट मोर, दिस यू कैन स्टेट एज USA, मतलब ये बेसिकली USA का वो वाला पार्ट है जो कि कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग में है। तो ये रहा US। अब हम अगर साउथ अमेरिका में चलें तो इसमें आपको पूरा ब्राजील नहीं, इसमें हम कुछ पार्ट्स मार्क करेंगे, हाइलाइटर से हाइलाइट कर लेते हैं। इसमें चिली वाला एरिया छोड़ के ये जो पूरा एरिया है ना, मैं एक बार पेन से भी मार्क कर देती हूँ। ये अगर हम सिर्फ इसको ही देखें तो ये वाला एरिया, ये छोड़ देना है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर की तरफ, एंड नॉट दिस होल बट सम पार्ट, नॉट ऑल ऑफ इट, एंड ऊपर भी थोड़ा सा एरिया आप मार्क कर सकते हो। तो ये जो है यहां पे आप लिख सकते हो उर्गुएई, एंड ऊपर की तरफ आप लिख सकते हो अर्जेंटीना, ठीक है। और अगर इसको मार्किंग्स करनी है तो मैं मार्किंग्स भी बता देती हूँ, ये और ये तो यहीं पे ही है, बिल्कुल पॉइंट पे ही बने हुए हैं, ठीक है। अब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका हो गया,
अब अगर हम अफ्रीका की तरफ चलें तो अफ्रीका वाले एरिया में हमें पूरे अफ्रीका में सबसे नीचे की तरफ आ जाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बॉर्डर पे हमें ये ऐसे करके आप मार्क कर लो, मतलब ये याद रखना कि जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है तो हमें इसके ऊपर और नीचे का थोड़ा सा पार्ट लेना है, और यहाँ पे हमें लिख लेना है पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका। आई होप ये आपको क्लियरली विजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम एशिया की तरफ चलें तो हमें एशिया में ये वाला जो पार्ट है, हमारा फोकस सिर्फ यहीं पे है, तो आपको आई थिंक ये वाला पार्ट दिख रहा है। इसमें इंडिया से ऊपर जाके जो ये वाला पार्ट है, कुछ ना मार्किंग या निशानी से कुछ याद रख सकते हो। तो जैसे ये दो वाटर बॉडीज हैं, इनके बीच का पार्ट ब्लू से ही मार्क कर दिया मैंने इसको, हम ये वाला जो पार्ट है, ये दो वाटर बॉडीज के बीच का, ठीक है। इसके अलावा एक्सटेंडेड अ लिटिल बिट एंड इसके ऊपर ये इसको आप थोड़ा सा ढंग से मार्क कर लेते हैं, ये मैं आपको समझा रही थी, अब इसको थोड़ा ढंग से मार्क कर लेते हैं। ये पार्ट एक्सटेंडेड अ लिटिल देन लाइक दिस एंड लिटिल बिट हियर। सो दीज आर द एरियाज जो आपको एशिया में ध्यान रखने हैं, एंड वी कैन मार्क देम एज पार्ट्स ऑफ एशिया में, नहीं ये रशिया, पार्ट्स ऑफ रशिया हो गया, ठीक है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपको बस छोटा सा छोड़ के एक सर्कल बना सकते हो, तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया, एंड रेड वुड बी बेटर। ये आपका न्यूजीलैंड है, तो यू कैन सिंपली इस पूरे को भी कर लेना, तो ये भी आपका न्यू जीलैंड, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, तो ये पूरा था जो हमें मार्क करना था, एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग एज मेंशन्ड अबव। ये अगर आपको अपने रेफरेंस के पर्पस से चाहिए हो तो मैं इसको डाल दूंगी, आप टेलीग्राम से भी चेक कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा मेजर एरियाज हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सेवन एरियाज हैं ये जो आपको याद रखने हैं, और ये मैप नंबर 4 है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा फोर्थ मैप था। आइए मैप का रेफरेंस ले लेते हैं। लार्जेस्ट कंट्री वाला हो गया था, सब्सिस्टेंस गैदरिंग वाला हो गया था, नोमैडिक हर्डिंग वाला हो गया, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग हमने जस्ट अभी किया है। अब नेक्स्ट मैप है मेजर एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, अब हम वो वाला करेंगे।
फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।